पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए आखिर बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार अब रेलवे में निजीकरण करने की तैयारी में है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 तक प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। फिलहाल रेलवे में 5% हिस्से का निजीकरण करने का फैसला लिया गया है। मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि सरकार ने 5% ट्रेनों का निजीकरण करने का फैसला लिया है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित होगा। बाकी बची 95% ट्रेनें रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। भारतीय रेल अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है। यादव ने कहा, ट्रेनों की खरीद निजी कंपनियां करेंगी, उनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के आने से ट्रेनों की स्पीड तेज हो सकेगी और रेल डिब्बों के टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से जिन कोचों को अभी हर 4000 किलोमीटर यात्रा के बाद मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वह यह सीमा करीब 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। इससे उनके महीने में एक या दो बार ही रखरखाव करना होगा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि रेलवे में ट्रेनों में स्पीड बढ़ाने और टेक्नोलॉजी में बदलाव को बिना निजीकरण के किया भी जा सकता है। वहीं अगर सरकार रेलवे में रखरखाव में अच्छे से ध्यान देती है तो उन्हें निजीकरण के वो फायदे नहीं गिनाने पड़ते जो वह रेलवे का निजीकरण करने के विषय में गिना रही है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि ट्रेनें मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई जाएंगी। किराया एसी बस और हवाई जहाज के किराए को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश 2023 तक प्राइवेट ट्रेनों का संचालन करने की है। रेवेन्यू मॉडल को लेकर चेयरमैन ने कहा कि कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, स्टेशन और रेलमार्ग इत्यादि के उपयोग का शुल्क भी देना होगा। निजी कंपनियों को समय सारणी के हिसाब से रेलगाड़ी परिचालन में 95% समयबद्धता का पालन सुनिश्चित करना होगा। सभी ट्रेनें 12 क्लस्टर में चलाई जाएंगी। ये क्लस्टर बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई होंगे। प्राइवेट ट्रेन के लिए फाइनेंशियल वीट 2021 के अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को सितंबर 2020 तक फाइनल कर लिया जाएगा। प्राइवेट ट्रेन चलाने में अडानी पोर्ट्स, मेक माई ट्रिप और एयरलाइन इंडिगो के साथ साथ स्पाइस जेट कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। आपको बता दें कि सरकार फिलहाल रेलवे में 5% का निजीकरण कर रही है। वहीं अगर सरकार पूरे रेलवे का भी निजीकरण कर दे तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है तो ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।